सो भैया खड़े क्लिफ हैंगर सेक्शन के आगे, थोड़ा रोड पे भी नजर ना रखिए, अब नजर रहेगी रोड पे, हमको दे दीजिए हम लगा लेंगे। फ्लो देखो यार क्या भयंकर है। किन्नौर वैली, किन्नौर वैली में आपका स्वागत है। एंड चिटको दिस 84 डुबो में ना यार गाड़ी बहुत धीरे ही चला रहा हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट कि कोई फालतू भसड़ हो ब्रेक्स के साथ, प्लस टेस्टिंग नहीं कर रहा था। अभी भी लगा कुछ इशू रहता है तो सांगला में आई थिंक मैकेनिक हमें मिल जाना चाहिए, वहाँ पे हम एक बार और चेक करा लेंगे, क्योंकि उसके हमें खासा मिलेगा एंड दैट लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, देखते हैं चलो जैसा भी रहता है। अभी तो वैसे ब्रेक सही अप्लाई हो रहे हैं, ऐसा मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। लेट्स कीप गोइंग। अभी ना पीछे एक वाटरफॉल है तो हमने सोचा तो ये था कि गाड़ी यहाँ धो लेंगे, बट अभी अनफॉर्चुनेटली टैंकर लगा हुआ है तो मेरे को मुश्किल लग रहा है कि हम धो पाएंगे, तो उसको भरने में लगेगा टाइम। लेकिन बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, दिखाते जरूर है, दिखाता हूँ मैं। तो भैया निकल गए हैं वाटरफॉल से यार, क्योंकि गाड़ी तो धुल नहीं पाई, तो अब जा रहे हैं आगे आगे जहाँ तक एक चेक पोस्ट आती है जहाँ पे एंट्रीज वगैरह करानी होती हैं फॉर स्पिति। अब देखते हैं वहाँ पहुँच के जैसे भी रहेगा आपको इन्फॉर्म करते हैं क्या एग्जैक्टली पूछा गया वहाँ पे एंड क्या हमें बताना था। चलो बढ़ते हैं यार आगे। आई थिंक चेक पोस्ट आ गई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहता है। चेक पोस्ट ही लग रही है मेरे को तो, कुछ एंट्री वगैरह हो सकता है यहाँ पे करानी हो। पुलिस कंट्रोल रूम किन्नौर पुलिस, कृपया वन संबंधा निरीक्षण है तो रुकिए देखते हैं। सर एंट्री करानी होगी ना यहाँ पे, घूमने जा रहे हैं जी सर, इस पे गाड़ी आगे लगाओ एंट्री कराओ। ठीक है सर मैं आके करा दूँगा, मैं करता हूँ बेटा गाड़ी की कराई। तो जी यहाँ पे होनी है गाड़ी की एंट्री, अब चलते हैं वहाँ पे देखते हैं सर लोग क्या पूछते हैं, फिर हम एक बार आप लोगों को भी अपडेट करेंगे। चलो तो भैया किन्नौर के खूबसूरत वादियों के बीच है ये पुलिस चेक पोस्ट जहाँ पे होती है एंट्री, सो इट्स अ नाइस स्पॉट टू स्टॉप इवन, ठीक है, क्योंकि आप देखो कितना सुंदर नज़ारे हैं नीचे, इट्स अल्टीमेट सिंपली। एंड दिस इज़ दी चेक पोस्ट जहाँ पे एंट्री होनी है, ये जस्ट वाटरफॉल के तुरंत बाद पुल क्रॉस करके पड़ती है। सो यहाँ से उस तरफ शिमला इज 165, शिमला से 165 है, तो सतलज के पास जाना मना है। तो यहाँ पे होती है एंट्री। सो भैया चेक पोस्ट पे करा दी है एंट्री, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, नाम एड्रेस कितने लोग हैं गाड़ी में कहाँ जा रहे हो एंड होम एड्रेस घर पे किसी एक बंदे का नंबर, तो यहाँ पे एंट्री कराना ज़रूरी है। मैं नहीं हुआ गोइंग टू वर्ड स्पिति, सही एंट्री दे यार, गलत एंट्रीज मत दिया करो पुलिस को कभी भी, बिकॉज जस्ट इन केस इफ देयर इज एन इमरजेंसी दे नीड टू कॉन्टैक्ट योर होम। वी प्रे विद गॉड कि कभी ऐसी कोई इमरजेंसी ना आए कि किसी के भी घर पर कॉन्टैक्ट करना पड़े, हर कोई सेफली जाए और सेफली आ जाए, बट स्टिल पुलिस जो पूछे सही से ही बताओगे यार, पहले तुम्हें क्या मतलब है ना, कई लोग सर बता रहे थे भी गलत एंट्रीज दे देते हैं फिर दिक्कत आती है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से।
भैया एंट्री इज डन, नाउ लीविंग फॉर चितकुल, 82 किलोमीटर्स टू गो। तो भैया द क्लिफ हैंगर सेक्शन अपन लोग निकल रहे हैं, पूरी ऐसे पहाड़ काट के बीच में से केव्स ही बनाई हुई है, इट लुक्स प्रीटी ऑसम। भैया खड़े हैं क्लिफ हैंगर सेक्शन के आगे एंड कोशिश में कि अच्छी फ़ोटो ले लें, बट गाड़ियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इस वजह से दिक्कत है थोड़ी सी। पीछे अपने खूबसूरत पहाड़, ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, लिटरली ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। स्पीति अपने आप में बहुत खूबसूरत ड्राइव होती है, सो इट्स गोना बी रियली ऑसम। एंड अभी कोशिश करते हैं इसके नीचे फटाफट फ़ोटो खिंचा लें, बिकॉज लगातार यू नो ट्रक्स कार्स आ रही हैं, सो इट्स गोना बी बिट टफ। अब पता नहीं खिंच पाते हैं कि नहीं खिंच पाते हैं। गाड़ी इधर साइड में लगा दी है, इसके जस्ट बाद एक हल्की सी जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हो, अगर कोई और गाड़ी पार्क है तो नहीं लगा पाओगे, सिर्फ एक ही गाड़ी की पार्किंग की जगह है, तो जितनी जल्दी है उतना अच्छा है। अब ये देखो पहाड़ कैसे ऊँचे चट्टान जैसी है, ये पूरा कंटिन्यूस ट्रक्स आ रहे हैं, कैसे फ़ोटो खींचे हैं आप। इन लोग भाई साहब बहुत रिस्की मामला है यहाँ पे यार, इट्स नॉट ईजी टू यू नो स्टॉप एंड गेट पिक्स प्लेट। बस प्रत्युष की ही फोटो खिंच पाई है यहाँ पे, मेरी नहीं खिंच पाई। यहाँ से निकल रहे ट्रक्स इतनी स्पीड में ला रहे हैं यार, ये तो हद ही कर दी, मतलब मेरा दिल धक धक और करने लगा। चलो बढ़ा जाए यार आगे। आप समझो रोड इतनी नैरो है कि ये ना अगर से बस आ रही है तो ट्रक्स वगैरह सब फंस गए हैं, ये जस्ट क्लिफ हैंगर सेक्शन से हम ज़रा से ही आगे बढ़ के खड़े हुए हैं नेक्स्ट टर्न पे ही। भाई ये खतरनाक था, मतलब ट्रैफिक जिस स्पीड से, खासकर वो खाली ट्रेलर जिस स्पीड से आ रहे थे ना, लिटरली हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा भाई भाग यहाँ से, कुछ नहीं पता कौन कहाँ को मार दे। तो भैया रोड ना ये मतलब इतनी चौड़ी है कि गाड़ी एक ही चल सकती है इस पर, अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो फिर कच्चे में ही उतारना पड़ रहा है, देन ओनली यू कैन यू नो पास। एंड ऊपर से ट्रक व्रक और बस वगैरह आ जा रहे हैं ना सामने से, फिर तो ट्रैफिक हॉल्ट ही हो रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। गर्मी इतनी हो रही है ना इस टाइम पर, एंड यू कैन नॉट इवन स्विच ऑन दी एसी। एंड ठीक है अब एनी हाउ चल रहा है, नया यू नो एडवेंचर टाइप है कुछ, मतलब राइड, लेकिन यार मतलब ड्राइव इज़ नॉट ईजी फॉर दिस, आई विल नॉट से दैट इट्स ईजी बिकॉज रोड चौड़ी नहीं है ये। अगर आप लद्दाख जाते हो, सो इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम श्रीनगर साइड, तो भैया लेह तक की रोड तो ऐसी मक्खन है कि पूछो मत। हाँ बीच बीच में कुछ सेक्शन आते हैं जहाँ पर बहुत दिक्कत है, बट रोड मक्खन है, ठीक है ना, सो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन यहाँ पर आप रोड देख रहे हो, रोड ख़राब नहीं है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं है बीच बीच में ख़राब, लेकिन द मेन इशू दैट कम्स इज कि देखो पतली कितनी है, बार बार ब्रेक लेना है, गाड़ी रोकनी है, सो दैट इज समथिंग यू नो विच इज बॉदरिंग मी एट टाइम्स। चलो एनीवेज लेट्स कीप गोइंग, 79 टू गो, इसलिए 4-5 घंटे दिखाता है भाई चितकुल के 110 किलोमीटर के। चलो चलते हैं आगे। मैं प्रत्युष भैया, जिस स्पीड से अभी हम लोग चल रहे हैं ये ट्रक लोग हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस हिसाब से हम कैसे पहुंचेंगे यार? लग तो नहीं रहा है। कर क्या रहे हो तुम फोन में अपने? हम स्टेटस देख अपलोड कर रहे हैं। रोड पे भी न तो नजर रख लीजिए आप, थोड़ा रोड पे भी नजर ना रखिए आप, नजर रहे जी रोड पे। सब हम ही कर लें, चला भी लें, रिकॉर्ड भी कर लें, नजर भी रख लें। नहीं नहीं ठीक है, हमको दे दीजिए। परेशान करना पड़ेगा तभी ये साइड देंगे। चलो मजा लिया जाए।
सो भैया देखो ना, ये देखो ऊपर पहाड़ कैसे लटके हुए हैं सर के ऊपर, उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा कैमरा बिकॉज सन बिल्कुल सामने है, बट आई होप नाउ यू कैन सी इट। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट लुक्स प्रीटी ऑसम यार, बहुत ही सही लगता है। दिस इज द क्लिफ हैंगर सेक्शन, इट्स ऑन अबाउट 74 किलोमीटर, नहीं 74 तो नहीं है एक्चुअली, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है फिर से, 74 से कम क्यों नहीं हो रहा है। एनीवेज चलो यार रोड पे ध्यान देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस रोड यू कीप हॉकिंग ऑन द ब्लाइंड टर्न्स, बिकॉज जो लोकल्स हैं ना बहुत स्पीड से आ रहे हैं कि यू सी दिस कार इट्स HP, सो वो अपनी स्पीड से आ रहा है। सो आप कीप प्रेसिंग योर हॉर्न, अब जैसे ये देखो ये ब्लाइंड टर्न आ रहा है ना, इस पर कीप प्रेसिंग योर हॉर्न क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने से कौन आ रहा है। अभी देखो भाई साहब कितनी तेज़ी से आया है, ऑल्टो थी बहुत स्पीड, आई थिंक डोंट थिंक कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, बट ठीक है चलो। एनी वेज लेट्स कीप गोइंग, 72 टू गो, गाड़ियाँ बहुत तेज़ नहीं चला रहा, आई एम गोइंग वेरी स्लो ऑन दीज रोड्स राइट नाउ, क्योंकि हम मज़ा लेते हुए चल रहे हैं, टेंशन लेने का हमको बिल्कुल मन नहीं है कल की तरह, जैसे हम कल गाड़ी खींचे थे एकदम सर्रार सट और फिर ब्रेक का हो गया था कांड पाल। सो अब एक ब्रिज आ रहा है उसको क्रॉस करेंगे, एंड सामने देखो यार क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब, इसका तो फोटो भी बनता था, एक तो हमने खींच लिया है फटाक से अभी तक यार एक भी, लेकिन गाड़ी का फोटो मैंने क्लिक नहीं करा है। सो लेट्स फाइंड अ प्लेस टू यू नो पार्क द कार एंड जस्ट क्लिक सम गुड पिक्स, नहीं उस पर नहीं जाएंगे, डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली। सो दिस इज द ब्रिज एंड ओ माय गॉड जस्ट सी दिस व्यू यार, इट्स सिंपली ऑसम, नीचे नदी सी बह रही है, इट्स प्रीटी गुड यार, प्रीटी गुड। सो वी हैव जस्ट क्रॉस द टाउन ऑफ भावनगर, एंड भावनगर या भावनगर अब पता नहीं एग्जैक्टली, जस्ट आज दी लोकल 68 किलोमीटर्स बिफोर चितकुल एंड 2 hours 41 minutes मोर इट शोज, 9:13 हो चुके हैं एंड एक्सपेक्टेड रीच टाइम मेरा जो था दैट वॉज राउंड अबाउट 12:00 इन द आफ्टरनून, बट ठीक है चलो अब लेट्स सी, अभी हम नाश्ता के लिए कहीं रुकेंगे 10 के आसपास, अभी लाइक 45 minutes मोर टू गो फॉर दैट, उसके बाद देखते हैं। रोड आंटी फिर से लग रहा है थोड़ी सही हो चुकी है, नॉट प्रिटी श्योर स्टिल बट चलो चले जा रहे हैं रोड पे, 64 मोर टू गो, गाड़ी यार बहुत स्पीड में नहीं जा पा रही है इस रोड पे ना, मतलब बहुत टर्न्स हैं, एक तो फिर कभी चढ़ाई कभी उतराई, फिर सामने से ट्रैफिक, कभी रोड टू लेन से सिंगल लेन हो जा रही है, सो चल रहे हैं लेकिन। सो वी हैव रीच्ड वांगतू, यहाँ पे आपको मैकेनिक्स वगैरह मिल जाएंगे, इट्स अराउंड अबाउट 59 किलोमीटर्स बिफोर चितकुल, एंड अपन को तो सीधा जाना है, ये एक इधर कोई रास्ता कट रहा है टूवर्ड्स द आयरन ब्रिज, आई थिंक ये कोई पावर स्टेशन वगैरह होगा आगे जाके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये क्यों रुक गए भाई, ओ भाई साहब चलो गाड़ी निकाली जाए पहले। सो रुके यार बीच में, राउंड अबाउट 63 किलोमीटर्स बिफोर चितकुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, सो सोचा यहाँ पे रुका जाए एंड आपको दिखाया जाए। ये भाई साहब पीछे अपना मेकअप वेकअप कर रहे हैं ना, धूप इनके लिए बहुत हो रही है, सो इनके ही फील्स की इनकी इंगेजमेंट होने वाली है, तो ये और काले पजामे पड़ जाए इसलिए सनस्क्रीन, ओले टोटल 7 इफेक्ट्स लगा रहे हैं एंटी एजिंग एक्चुअली, एंड इट्स नॉट एंटी एजिंग, इट्स एंटी एजिंग, एवरीवन नोस ओले टोटल 7, मेरी मम्मी लगाती है, मतलब माय मॉम यूजेस इट, मैंने भी मंगाई थी उनके लिए, ये इंसान वही लगा रहा है, ये प्राणी, सब लोग गौर दें, सारे व्यूअर्स गौर दें, जो लोग इनको जानते हैं वो भी गौर दें, इनकी जवानी का राज ये है। एनीवेज अब नज़ारे दिखाते हैं, बहुत ही सुपर व्यूज़ हैं यहाँ से यार, बहुत ही सुपर व्यूज़, चलो। सो वो जो सामने आपको दिख रहा है दैट्स कच्चम वांगतू पावर प्रोजेक्ट, एंड ये नीचे सतलज रिवर जा रही है, एंड यहाँ पे देखो अगर वो दिख रहा होगा आपको पानी निकलता हुआ, सो वो टरबाइन में जो पानी जाता है उसका वो आउटफ्लो है, टरबाइन में जाने के बाद वहाँ से वो पानी बाहर ड्रेन हो रहा है। दिस इज़ द ब्रिज,
जबरदस्त नज़ारा है यार यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो मैं इसका एक बार रुक के दिखाया जाए, आपको दिखाना तो बनता है ना, बहुत ही खूबसूरत है यार। वो देखो टर्बाइन का फ्लो देखो यार, क्या भयंकर है। सो प्रत्युष वॉन्ट्स टू टेक बाथ इन दिस, तो मैंने कहा भाई एंगेजमेंट के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर तुमने इसमें ना नहाने का सोचा भी तो। जबरदस्त है यार, गाड़ी इधर पार्क की हुई है, बाकी सारे नज़ारे हो रहे भाई साहब, इनका तो क्या ही करें। हाँ भैया कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? अभी थोड़ा सनस्क्रीन लगा लिया, थोड़ा बेहतर लग रहा है। थोड़ा सनस्क्रीन लगा, थोड़ा बेहतर लग रहा है आपको, चलिए अच्छा बात है। चलो भैया निकला जाए, क्योंकि खूबसूरती का आलम तो ऐसा है कि भैया कितना रुक लो पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो इट्स टाइम कि वी शुड लीव एंड रीच अवर डेस्टिनेशन दैट इज चित्तकुल। चलो निकलते हैं।